नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर जाताह्लादो महामनाः, अपार प्रसन्नता हुई नंद जी को, और उन्होंने सब आगे अपना सब संस्कार कराए, ब्राह्मणों को बुलाओ, जात कर्म कराओ, दान दक्षिणा वगैरह सब हुआ, क्योंकि नंद और यशोदा को यही फीलिंग थी कि ये हमारे पेट से हुआ है, यानी यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं श्री कृष्ण। नंद यशोदा यही जानते थे, क्योंकि देवकी के सामने तो भगवान प्रकट हुए थे 16 वर्ष की अवस्था वाले, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीतांबर वगैरह पहने हुए भगवान, लेकिन नंद जी के यहां यशोदा के सामने ऐसा नहीं हुआ कुछ। वहां पर प्रकट होके पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं, वहां पर सीधे सीधे यशोदा जी को बेहोश कर दिया और अवतार हो गया। क्यों जी, वहां देवकी के यहां तो बताया था, फिर यशोदा जी के यहां क्यों नहीं बताया? इसीलिए कि देवकी के जो इष्ट देव थे वो ऐश्वर्य युक्त भगवान थे, इसीलिए देखिए भगवान ने नंद वो वसुदेव और देवकी को ये कहा था, अवतार लिया भगवान ने, स्तुति वगैरह हुई, और उसके बाद भगवान उनसे कहते हैं युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्ये थे मद्गतिं पराम। भागवत 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 45वां श्लोक। तुम दोनों मुझे पुत्र मानकर और भगवान मानकर, दोनों एक साथ मुझे अपना पुत्र भी मानो और भगवान भी मानो, इस प्रकार अगर तुम मेरा चिंतन करते रहो और मुझसे प्यार करते रहो तो मेरी गति प्राप्त होगी तुमको, तुम दोनों मुझको प्राप्त करोगे। ये देखिए भगवान उनको इस प्रकार दे रहे हैं आदेश, पुत्र भी मानो भगवान भी मानो, क्योंकि वो ऐश्वर्य की उपासिका थी देव की, लेकिन यशोदा वो प्योर वात्सल्य रस चाहती थी, उन्होंने वरदान मांगा था कि ऐश्वर्य का टच ना होने पाए, मैं प्योर वात्सल्य रस चाहती हूं। देवकी ने कहा था मैं तुमको पुत्र रूप में चाहती हूं, यशोदा ने कहा था मैं पुत्र का सुख चाहती हूं, तो जिसने जैसी कामना की थी, जो जिस स्वरूप का उपासक था उसको उसी के अनुसार भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है, भक्त की इच्छा के अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो यशोदा ऐश्वर्य की उपासिका नहीं थी, वो प्योर मधुर स्वरूप की, वात्सल्य रस युक्त स्वरूप की उपासिका थी, वो प्योर वात्सल्य रस चाहती थी। इसीलिए देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मृत भक्षण लीला में जब ठाकुर जी का डर के मारे मुंह खुल गया तो तुरंत वो ऐश्वर्य शक्ति घुस गई मुंह में और उसने यशोदा मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए कि मेरे स्वामी पिटे ना, और वो जब देखे यशोदा जी ने तो हालत खराब हो गई उनकी। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। अरे लगता है मेरे लाला में कुछ अलौकिक शक्ति है, और वो कांपने लगी यशोदा, डंडा हाथ से गिर गया, मूर्छित हो गई डर के मारे। तो भगवान ने देखा कि बड़ी देर हो गई डंडा नहीं पड़ा, तो आंख खोली जब और देखा यशोदा जी की ऐसी हालत, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तो उन्होंने ध्यान किया ओ या ईश्वर शक्ति आई थी, ये गड़बड़ कर गई। तो तुरंत भगवान ने
व्यतनोद वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। भागवत दसवें स्कंद के आठवें अध्याय का 43वां श्लोक। अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा मैया को सब कुछ भुला दिया और फिर वही प्रेम पैदा हो गया मैया के अंदर, ये तो मेरा लाला है। यानी ठाकुर जी हमेशा बचाते थे कि मैया को कहीं ऐश्वर्य न दिखाई पड़ जाए, इसीलिए मैया को ये दर्शन नहीं दिए अवतार के पहले भगवान ने। नहीं तो अगर मैया को ये पता चल जाता कि भगवान बने हैं मेरे बेटे, तो फिर मैया को वात्सल्य रस का सुख कैसे मिलता, फिर तो आरती उतारती रहती उनको सिंहासन पे बिठा के, फिर वो जो वरदान मांगा था मैया ने उसकी सिद्धि कैसे होती कि हमें प्योर वात्सल्य रस चाहिए ऐश्वर्य के बिना। इसीलिए जब यशोदा जी के यहां अवतार हुआ तो निद्रया पगत स्मृति, भगवान ने सुला दिया उनको योग माया से, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। और वसुदेव अपना लेकर के गए श्री कृष्ण को और लड़की ले आए वहां से। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारी शंका ये है कि अगर यशोदा जी के यहां भी अवतार हुआ था और वसुदेव के यहां भी अवतार हुआ, देवकी के यहां भी, तो फिर दो भगवान होने चाहिए। अरे वो जो देवकी के यहां प्रकट हुए तो पहले चार भुजा से प्रकट हुए, हाँ, और उसके बाद देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर वो दो भुजा के हो गए, हाँ, और उनको लेकर के गए वसुदेव नंद जी के यहां और यशोदा के बगल में सुला आए और उनकी कन्या को ले आए, हाँ। तो फिर एक ये वसुदेव देवकी वाले श्री कृष्ण और एक नंद यशोदा वाले श्री कृष्ण, ये दो श्री कृष्ण होने चाहिए थे यशोदा के बगल में, हाँ। लेकिन एक ही थे, हाँ, तो यशोदा वाले कहां गए? अगर वसुदेव सुलाए आए अपने वाले श्री कृष्ण को, तो फिर यशोदा ने जिन श्री कृष्ण को जन्म दिया, यानी यशोदा के यहां जिनका अवतार हुआ, वो श्री कृष्ण कहां गए? एक ही श्री कृष्ण बचे, हाँ। तो इसका उत्तर दिया हमारे ग्रंथों में, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामनी यथा कृष्णयामल। जैसे बादल में बिजली खो जाती है, इतनी देर भी नहीं लगी और वो वसुदेव सुत नंद सुत में लीन हो गए। लीनो नंद सुते राजन, लीन हो गए वो नंद सुत में वसुदेव सुत श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि देवकी के जो उपासक उपास्य थे ये ऐश्वर्य वाले भगवान थे, मैंने भी आपको बताया, और नंद यशोदा के जो श्री कृष्ण थे ये प्योर वात्सल्य रस वाले थे, माधुर्य वाले थे। तो ये ऐश्वर्य वाला स्वरूप उस माधुर्य वाले स्वरूप में लीन हो गया कि यहां ब्रज में ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, यहां माधुर्य ही माधुर्य की लीलाएं करनी है भगवान को। इसीलिए वो ऐश्वर्य वाला स्वरूप माधुर्य वाले स्वरूप में लीन हो गया। और वसुदेव को भी पता नहीं चला कि ये क्या नाटक हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया। वसुदेव ने जैसे ही हाथ में लेकर के श्री कृष्ण को वो देख रहे हैं अपना सुलाने के लिए, और जैसे ही अपना हाथ यूं किया तो उन्हें भी पता नहीं चला ये क्या छूमंतर हो गया, और वो देखते हैं, यानी यूं हाथ किया तो हाथ वाला गायब, और उन्होंने देखा कि हाँ यशोदा के बगल में एक वो लेटा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैंने सुला दिया बस, और कन्या को लिया और चले आए। इस चमत्कार के साथ लीन हो गए वसुदेव वाले श्री कृष्ण नंद जी वाले श्री कृष्ण में, यशोदा वाले श्री कृष्ण में। आप लोग कभी भी भगवान के बारे में ये लॉजिक ना लगाइएगा अपनी दो अंगुल की खोपड़ी का कि हाँ भाई ये कैसे हो गया होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा ये प्राकृत बुद्धि का तर्क वहां मत ले जाइएगा।
अरे ये तो छोटी सी बात है, ये तो योगी लोग भी कर लेते हैं, रावण वगैरह कर लिया करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं समझ में आती तो ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाए भगवान उतना ही कर सकते हैं। अरे आपकी बुद्धि क्या है? देखिए आज आप जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, ये टेलीविजन है, ये मोबाइल है, ये रॉकेट वगैरह तमाम चीजें हैं आधुनिक विज्ञान की के आविष्कार। आज से 100 वर्ष पहले अगर आपको कोई इनके विषय में कहता तो आप कहते इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ रेडियो तक हम मान सकते हैं, लेकिन शक्ल दिखाई पड़े किसी की, ये नहीं हो सकता। लेकिन आज आप उन चीजों का प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं अरे ये तो ऐसी कॉमन बातें हैं, साधारण बातें हैं। लेकिन उस समय आपको यही चीजें इम्पॉसिबल लगती। तो जब ये भौतिक विज्ञान के ही इतने चमत्कार पूर्ण आविष्कार हो रहे हैं और हम सब मानते जाते हैं, तो फिर जो कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान है, और ये कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्था तो उनकी एक शक्ति है। उन भगवान में तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत। लेकिन उन अनंत शक्तियों में एक शक्ति है, उसी में इतनी इतना कमाल है कि जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। हाँ, संकल्प मात्र से सब कुछ कर दे। सोचा सृष्टि हो जाए, हो गई। सोचा प्रलय हो जाए, हो गया। उल्टा कर दे, आंख से सुने, कान से देखे, आंख उठा के फेंक दे, कान उठा के फेंक दे, सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? वो तो कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थ है और अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है वेदव्यास ने कि कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रतेः खिद्यति धीर्विदामिह। भागवत तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात उसके कोई इच्छा नहीं है लेकिन सारे कर्म करता है। अजी इच्छा नहीं तो कर्म कैसे करेगा? हाँ विरोधी बातें हैं उसके अंदर। वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन बहुधा विजायते, अनंत बार जन्म लेता है। अजीब बात है जी, अजन्मा है और जन्म लेता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि सूरदास है लेकिन त्रैलोक के देख सकता है। ये तो जी इम्पॉसिबल लगता है हमको। हाँ जो आपके यहां इम्पॉसिबल है ना, वो वहां सब पॉसिबल है। अरे बाइबल तक में लिखा है द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल विद मैन आर पॉसिबल विद गॉड। न्यू टेस्टामेंट के ल्यूक नामक चैप्टर में ये पंक्ति है, जो चीजें मनुष्य के लिए असंभव हैं, वो भगवान के लिए संभव है, नेचुरल है, वहां कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वो चूंकि भगवान का मामला है, उसके कर्म भी दिव्य और वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान, इसीलिए वो बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, खिद्यति धीर विदामिह भागवत, क्योंकि सारी विरोधी बातें हैं ना। अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, इसका अनुवाद है रामायण में।
बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा आसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। रामचरितमानस उसकी करनी अलौकिक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म भी दिव्य मेरे कर्म भी दिव्य और हमारी बुद्धि लौकिक है, तो लौकिक बुद्धि से अलौकिक करनी कैसे समझ में आएगी? अरे उसकी पावर से तो हमारी बुद्धि निश्चय करने का काम करती है, तो उसके बारे में कैसे निश्चय करेगी कुछ? तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र, यानी वो बुद्धि का प्रकाशक है, उसकी पावर से बुद्धि प्रकाशित होती है, सोचने में समर्थ होती है। तो बुद्धि उसकी प्रकाशिका कैसे हो जाएगी, कैसे उसको जान लेगी कि उसके कामों के रहस्य को हम पहले समझ लें तब एडमिट करेंगे? अरे तुम अनंत काल तक समझने की कोशिश करते रहो उस बुद्धि के द्वारा तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो बुद्धि से परे है।